पोषण बगीचा। पोषण बगीचा में सब्जी उत्पादन का प्रचलन प्राचीन काल से चला आ रहा है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर रोज आहार में संतुलित पोषण का होना बहुत जरूरी है। फल और सब्जियां इस संतुलन को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, क्योंकि यह विटामिन्स, खनिज, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के अच्छे स्रोत है। कृषि विज्ञान केंद्र तोंडापुर जिला हिंगोली द्वारा हर साल प्रथम पंक्ति पिक प्रात्यक्षिक अंतर्गत हर साल 25 महिलाओं को हम सेलेक्ट करते हैं, उनको नियोजित करते हैं और उनको पोषण बगीचा का किट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डायटिशियन एवं वैज्ञानिकों के अनुसार संतुलित भोजन के लिए एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 85 ग्राम फल एवं 300 ग्राम सब्जियाँ, 100 ग्राम जड़ वाली सब्जियां एवं 75 ग्राम अन्य प्रकार की सब्जियों का सेवन करना चाहिए। ये प्रमाण हरेक व्यक्ति के आयु अनुसार बदल जाता है ताकि उसे सही पोषण मिले। सब्जी बगीचा का आकार भूमि की उपलब्धता एवं व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर करता है। सामान्यतः 4 से 5 व्यक्तियों वाले परिवार की पूर्ति के लिए 200 या 300 वर्ग भूमि पर्याप्त होती है। एक और हमने अभ्यास किया था जिसमें ग्रामीण महिलाओं में हीमोग्लोबिन की जांच की गई। उसमें देखा गया है कि 90% महिलाओं में हीमोग्लोबिन 8 के आसपास है, जो कि 11 के आसपास उसका परिमाण होना चाहिए। इसके कारण भी हम लोगों ने सुझाव दिया है कि जिस सब्जियों से हीमोग्लोबिन बढ़ता है, जैसे पालक हो या फलों में आंवला हो, ऐसे पौधे या पेड़ यदि आपके न्यूट्रिशन गार्डन में या पोषण बगीचे में आप लगाएंगे, तो उससे आपके फैमिली में जो हीमोग्लोबिन की कमतरता है उसके लिए एक ठोस उपाय नैसर्गिक या नेचुरल तरीके से मिल सकता है। पोषण बाग में सब्जियां मौसम और फसल चक्र को ध्यान में रखकर लगानी चाहिए ताकि उसका उत्पादन या उसकी आय अच्छी मिले। पोषण बगीचा में सब्जियों के अलावा फल वृक्ष जैसे केला, पपीता, नींबू, अमरुद, करौंदा और फूलों के पेड़ भी लगाने चाहिए। पोषण बाग घर के पास बनाने के और कुछ फायदे हैं, जैसे कि घर के बाजू में जो खाली एरिया रहता है, खाली जगह रहती है, उसका सही उपयोग होता है। उसके साथ जो घर का पानी होता है, जो नहाने का पानी है, कपड़े का पानी है, उसका सही उपयोग किया जाता है। साल भर हमें स्वास्थ्यवर्धक, गुणवत्ता युक्त, सेंद्रिय एवं सस्ती सब्जियां, फल एवं फूल प्राप्त होते रहते हैं। पारिवारिक व्यय से बचत होती है। सब्जी खरीदने के लिए अन्यत्र कहीं जाना नहीं पड़ता।